वेलकम टू माय चैनल, आई एम सिमरन जानी। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, आई होप आपके इंग्लिश एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अब उस प्रिपरेशन में एक स्टेप और ऐड कर दीजिए, वो क्या है, अच्छे से अपने पेपर के पैटर्न को समझ लीजिए गाइस, ठीक है। इंग्लिश का एग्जाम जो होता है उसको हमें कैसे करना है, ऐसे अटेम्प्ट करना है हमारा टाइमली पेपर कंप्लीट हो जाए, बढ़िया तरीके से 40 on 40 स्कोर कर पाए। उसके लिए क्या चाहिए, हमें अपने पेपर को समझ लेना है कि जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है तो हमें पता हो अच्छा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारे पेपर के अंदर होंगे, एकदम से हमें नया ना लगे, पूरी जान पहचान हमें हमारे पेपर पैटर्न से हो जाए, ठीक है। तो गाइज पता है आपको इंग्लिश का पेपर ना कई बार ऐसा होता था, आई रिमेंबर मेरी एक दो फ्रेंड्स का ना इंग्लिश का पेपर, उन्हें आता था तब भी छूट गया था, लेंदी पेपर ऐसा लगा उन्हें और उनका छूट गया। तो इसलिए मैंने हमेशा ध्यान रखा है आपके सीनियर्स के साथ भी कि मैं आपको ये बिल्कुल प्रिपेयर करा दूं कि इंग्लिश का पेपर आपका टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए बता रही हूं आपकी, लास्ट ईयर भी मैंने सब बच्चों को समझाया था इंग्लिश के पेपर के ना पैटर्न को समझ लो, एक एक बात आपके दिमाग में, अच्छा ये अनसीन पैसेज है इसको इतनी देर में हमने कर लेना है, ठीक है। अच्छा लिटरेचर सेक्शन में इतने क्वेश्चन होंगे 2-2 मार्क्स के, ठीक है ये ऐसे हो जाएगा, पूरा एक फ्रेमवर्क जब आपके दिमाग में होगा गाइज आपका 15 मिनट पहले पेपर कंप्लीट होगा, तुम रिविजन 2 बार कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो, ध्यान रखना है आपको पेपर पैटर्न समझ लिया और सारी टेक्निक्स भी बताऊंगी जो जो मार्क्स जहां जहां पे आपको जो है ना बिल्कुल अपने गैदर कर लेने हैं वो कैसे करने वाले हो, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात करते हैं। जैसे ही आपके पास आपका क्वेश्चन पेपर आएगा सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिखाई देगा एंड इसकी प्रिपरेशन गाइज आई रिक्वेस्ट यू कि आप लिटरेचर तो कर ही नहीं है, इसकी प्रिपरेशन अपने जो लास्ट डेट है उससे पहले जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। कितने मार्क्स का आएगा हमारा, 14 मार्क्स का, ओ आई एम सॉरी मैं पेन का कलर चूज कर लेती हूँ, ये देखो आप ये रेड आ गया, ठीक है। तो ये देख लो आप, ये 14 मार्क्स का आपका क्या आने वाला है, 14 मार्क्स का आएगा आपका अनसीन पैसेज, ठीक है। दो पैसेज आने वाले हैं, दो क्वेश्चन होंगे गाइस, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा आपका फैक्चुअल डिस्कर्सिव पैसेज में से, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूँ, वो अनसीन पैसेज आपको गिवन होगा और अब की बार अनसीन पैसेज में क्या ट्रिक लगानी है, क्वेश्चन आंसर्स को ना खुद से बनाकर लिखना है। तो काफ़ी बच्चों को भी कन्फ्यूजन है हम खुद से बनाकर कैसे लिखेंगे, तो विद इन वन वीडियो गाइस मैंने एक एक स्टेप क्लियर कर दिया है क्या आपको दिमाग में रखना है जो आप खुद से क्वेश्चन बना के लिख सको, ठीक है। कैसे क्वेश्चन ढूंढने हैं, ऑल द कॉन्सेप्ट I have explained in one video, एक example भी कराया है, sample paper वाला question भी हम practice कर लेंगे, तो वो video को आप देख लो, description box में reading section वाली playlist given है, वहाँ से उस video को देखो, marks weightage देख लो, 8 number का passage है, literature तो कर ही रहे हैं, साथ में दो कितनी भी अपना जो है ना 2-3 दिन पहले exam से ये complete कर लीजिए, practice बहुत, अगर 2 question की भी practice कर लो तो you will feel confident, ठीक है। तो unseen passage जो है guys, video given है, 8 marks का पहला passage है, इसकी video देखो जाके perform करो, इसको प्रैक्टिस करो आई मीटू से। दूसरा एक केस बेस्ड अनसीन पैसेज होगा, इसमें डिफरेंस क्या होगा, बस गाइस यहां पे आपको ना एक केस गिवन होगा, यानी कि एक बार ग्राफ चार्ट टेबल गिवन होगा, उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 6 मार्क का है, ठीक है, 6 मार्क का है ये, इसकी भी वीडियो गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों वीडियो देख लेना, हाफ एन आवर की होंगी, ठीक है, वह हाफ एन आवर दोनों वीडियो देखिए, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल गई, कैसे आंसर ढूंढने पता चल गए, आंसर फॉर्म कैसे करने पता चल गए, फिर हम सैम्पल पेपर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। तो ये 14 मार्क्स अपने बिल्कुल पक्के कर लीजिए, ठीक है। अब आता है हमारा सेक्शन बी, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन है ना हमारा, इसमें ये जो इन्विटेशन राइटिंग है जिसमें फॉर्मल इनफॉर्मल रिफ्यूजल और एक्सेप्टेंस, ये 3 मार्क्स का आना है हमारा, 3 नंबर का, ठीक है। तो इसकी प्रिपरेशन करो, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करिए, एक दो बार वीडियो को जाके सुनो, एक एक डाउट मैंने क्लियर करा है गाइज। इनविटेशन तो मैंने सारा बता दिया है, शादी वाला इनविटेशन भी बता दिया था, वहाँ आपको याद है हमने ध्रुव और नैना की शादी का कार्ड चेक करा था, बर्थडे पार्टी में मैंने अपने बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन आपको करवाया था, फिर हमने चीफ गेस्ट वाला भी करा था, उसके बाद हमने जो है सारे टाइप के इनविटेशन प्रैक्टिस कर लिए हैं। वीडियो गिवन है, हाफ एन आवर की वीडियो होगी, पता नहीं मुझे कितनी लेंथ है, देख लो जाके, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और जो इनफॉर्मल है उसकी वीडियो अलग है, ठीक है, दो वीडियो से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनना, ठीक है, कन्फ्यूजन मत क्रिएट करो, पैनिक मत हो, 3 मार्क्स का इन्विटेशन आना है, जितने एग्जाम्पल मैंने कराए उन्हें ध्यान से देखना, बोर्ड पर पूरी स्लाइड स्मेल मेंटेन चल रही है, उन्हें देख लो और समझ लो, ठीक है। और कोई डाउट आ रहा होगा उसे लिख के रख लेना, मैं जब लाइव आऊँगी आपका डाउट क्लियर कर दूंगी इनविटेशन राइटिंग का, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस हमारा, ये कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है। नेक्स्ट आएगा जॉब एप्लीकेशन और रिपोर्ट राइटिंग में चॉइस होगी, ठीक है, आपके सैंपल पेपर में चॉइस गिवन है जॉब एप्लीकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग में। तो जॉब एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग ये दोनों वीडियोस भी गिवन है, मैं जॉब एप्लीकेशन का एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, ठीक है, जिसमें और भी रेलिवेंट डिटेल जो आप अपने क्वेश्चन में ऐड करो वो आपको पता चल जाएगी, तो आप सर्च कर लेना। देन जॉब एप्लीकेशन रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स का होगा ये, आपको दोनों में से एक, आई वुड सजेस्ट यू दोनों प्रैक्टिस कर लो, जो एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन लगेगा कि या आई एम वेरी थरो वेडेड, तो उसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वीडियो सभी की गिवन है राइटिंग सेक्शन प्लेलिस्ट में, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन 2-3 अपने पास से प्रैक्टिस करके देख लेना,
एंड रिपोर्ट राइटिंग भी। तो ये हो गए आपके 8 मार्क्स। अब आता है हमारा लिटरेचर पोर्शन। अब लिटरेचर में हम देखो चैप्टर्स पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसके बाद हमें क्या चाहिए कि हम क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर लें। अब क्वेश्चन क्या होता है, खुद से बना के लिखे ऑल दैट, तो उसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपको चैप्टर समझ में आ जाना चाहिए। तो चैप्टर की वीडियो से चैप्टर समझ लो। सेक्शन सी लिटरेचर 18 मार्क्स का है हमारा लिटरेचर सेक्शन। 18 मार्क्स का लिटरेचर सेक्शन है, उसमें सबसे पहले आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई देगा। वहाँ 6 क्वेश्चन गिवन होंगे, हमें चॉइस मिलेगी 5 करने हैं, ठीक है। तो तुम्हें तो मेरे भाई बहनों को सबको 6 के 6 आते होंगे, तुम बस एक छोड़ देना, ठीक है। तुम्हें कौन से करने हैं, 5 करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। वो क्वेश्चंस के लिए एक सीरीज गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लास 12 इंग्लिश टर्म 2 एक प्लेलिस्ट गिवन है वहाँ गाइज में। CBSE के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 20 से 25 मिनट की वीडियो में। बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करे हैं, गो एंड वॉच द वीडियो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। आई वुड सजेस्ट यू कि आप जो है एक कॉपी लेके बैठना, जो क्वेश्चन करा रही हूँ थोड़े से साथ साथ में लिखते रहना। एक सीरीज 2 भी लॉन्च होने वाली है कल से, जिसमें आपको पता चल जाएंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद अ मिनिमम टाइम पीरियड, ठीक है। बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, तो मैंने जो एक फ्रेमवर्क सोचा है कि देखो 30 मिनट्स में आपने चैप्टर की वीडियोज़ देखी, मेरी जितनी भी वीडियोज़ है 30 मिनट्स की ही है, 30 मिनट्स से कम की ही है। बिकॉज आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, एक होता है हमारा सेल्फ स्टडी का टाइम और एक होता है हमारा कॉन्सेप्ट समझने का टाइम। या आधे घंटे में आप वीडियो देख के जो है समझ लेना चैप्टर को, हाफ एन आवर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बस आपको चेक करनी है, ठीक है। सर्च कर लेना रैट टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिमरनथानी या फिर इंडिगो, इंडिगो के सबके प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं सारे करवा दूंगी, ठीक है। वो हमारी बहुत हेल्प करेंगे हमारे एग्जाम में। 1 आवर आपका ये हो गया कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, बाकी का 1 घंटा आपको क्या करना है NCERT से थरो ओवरव्यू ले लेना और साथ में 1 घंटे बचे हुए में क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करके देखना। तो हर अपने चैप्टर का दिमाग में अपने रख लो 2 आवर एवरी चैप्टर। 1 घंटा आपका जो है यूट्यूब से आप जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, ठीक है। वीडियो की लिमिट बता दिया मैंने, आपका इतनी लिमिट में जो है काम हो जाएगा। दूसरा आपको 1 घंटा फिर जो है मोबाइल साइड में रख देना, कॉपी खोलना और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखना और मेरी जो वीडियोज़ है ना उसमें से चेक कर लेना, अच्छा ऐसी लाइन लिखी है, ठीक है। इवन कई बच्चे तो जो हमारी रीसेंट सीरीज थी उसमें मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता देते थे, जिनका आंसर सही होता था मैंने उन सबको हार्ट दिए कि ठीक है तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो वहीं नीचे कमेंट सेक्शन में इतने बच्चों ने मुझे अपने आंसर्स करे थे, 10 स्टूडेंट्स ने पूरे आंसर ना कमेंट में ही बता दिए थे। 40 वर्ड्स ही तो है लिमिट, 40 वर्ड्स की टाइपिंग तो तुम कर लोगे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन और कल की सीरीज के लिए तो बिल्कुल ही एक्साइटेड हो जाओ बढ़िया तरीके से, बहुत ही मिनिमम टाइम में। गाइस आई नो द वैल्यू ऑफ योर टाइम, मिनिमम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे को 3 गिवन होंगे, हमें करने 2 है, ठीक है। और ये कितने हैं, 4 मार्क का 1 होगा। अब ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग वाले, हमने तो सारे ही चैप्टर के करने, बट कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स है जो ऐसा हमारा हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं क्या। अभी रैप्टर चैप्टर की थीम सोचो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या क्या पता चला उसमें हमें। अरे ह्यूमन की जो इमोशंस होते हैं जैसे लोनलीनेस, सभी फेस कर रहे थे। रैप्टर भी अलोन था, ऐसे घूमता रहता था बेचारा सड़कों पर, उसने सोचा तो बड़ा सा रैप्टर है पूरी दुनिया। क्रॉफ्टर जी भी बड़े लोनली थे कि उनको अपने घर पे बुला लिया रैट ट्रैप सेलर को। आयरन मास्टर भी इतने लोनली थे, ठीक है। थीम स्ट्रांग है, दूसरा बिग रैट ट्रैप वाली थीम हो गई। दूसरा तीसरी थीम क्या आती है हमारी रैट ट्रैप की, अगर आपके काइंड हो तो आप जो है आपका काइंड बिहेवियर सामने वाले के अंदर की जो छुपी हुई गुड नेचर होता है वो बाहर निकाल के ला सकता है। जैसे कि जब एडला ने इतने अच्छे तरीके से बिहेव करा तो रैट ट्रैप सेलर ने कैसा बिहेव करा, कैप्टन जैसा बिहेव करा। दूसरा ऑन द फेस ऑफ इट की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ऑन द फेस ऑफ इट की थीम स्ट्रांग है, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छे से देखना। आई एम गिविंग यू हिंट्स, ठीक है। करने तो हमें सबके ही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे पोम के हो गए आपके या फिर आपके चैप्टर के हो गए। प्लेलिस्ट चेक कर लो, 20-20, 25-25 मिनट। आई मेक श्योर कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवा सकूं, ठीक है। तो अभी ये लिटरेचर हो गया, ये राइटिंग सेक्शन हो गया, आपको पता चल गया एग्जाम में इतने क्वेश्चन ऐसे आने हैं, कोई पैनिक नहीं करना, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। अब एक बात मेरी सुन लीजिए, ये जो है इसका देख लो वेटेज, 14 मार्क्स का सेक्शन ए है, एंड में छोड़ देते हैं बच्चे, बाद में करेंगे, आखिरी दिन पे पैसेज पढ़ लेंगे। आखिरी दिन पे नहीं पढ़ना है पैसेज आपको, ठीक है। जब मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी उसमें मैंने आई थिंक सो 11 को रखा था, ठीक है। मैं आपको अब कह रही हूँ खुद 11 को तो करना ही है पैसे, तब मैं सैम्पल पेपर वाला करा रही हूँगी। उससे पहले थोड़ा सा अपना टाइम निकाल लीजिए, दोनों वीडियोज़ जो गिवन है रीडिंग सेक्शन की, उन दोनों वीडियोज़ को जाके देख के रीडिंग सेक्शन प्रिपेयर कर लो अपना। थोड़ा सा खुद से आंसर बना के लिखने हैं तो वो ट्रिक्स आपको पता चल जाएंगी एंड यू विल बी प्रिपेयर्ड वेल, ठीक है। तो ये 14 मार्क्स का हो गया, ये हमारा 8 मार्क्स का है एंड ये 18 मार्क्स का है, और हमें कितने लाने हैं 40 on 40 स्कोर करने। उसके लिए हमारी जो अनपहचान हो गई हमारे पेपर पैटर्न से, अब बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर
करनी है, अब मैंने आपको दो चीज़ बता दी है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करने वाले आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, सुन लो बहुत ध्यान से, उसका लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से प्रिपेयर कर लेना, नहीं तो सर्च कर लेना, डालना अंजनी फर्स्ट टाइगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिमरन सहानी, पता चल जाएंगे मिनिमम टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो जाएंगे और मैं थोड़ी इजी लैंग्वेज के आंसर्स आपको करवा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन की सभी वीडियोज़ गिवन है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपेयर करते रहो, एंड बाई चांस आपको कोई कोई डाउट आते हैं तो अपने पास मेंटेन करते रहो। जब मैं लाइव आती हूँ ना, जैसे मैं दो बार लाइव आई थी अभी रिसेंटली, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे थे, जब मैं लाइव आऊँगी तो लाइव डाउट सेशन में अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। डन, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।